भारत धर्म आध्यात्म का देश है, यहाँ करोड़ों देवी देवताएं हैं और उनके लाखों मंदिर हैं। लेकिन सबसे पावन स्थल के तौर पर शक्ति पीठ को जाना जाता है। यूँ तो भारत और पड़ोसी देशों को मिलाकर कुल 51 शक्ति पीठ है जहाँ पर माता सती के अंग गिरे थे, पर आज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तीर्थ से रूबरू कराने जा रही हूँ, जहाँ पर कुल 3 जागृत शक्ति पीठ है। हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ अनछुए पहलुओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नॉर्थ ईस्ट की वादियों में बसा सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख शक्तिपीठ आसाम का कामाख्या मंदिर है। कामाख्या देवी मंदिर तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है, साथ ही ये शक्तिपीठ नीलांचल की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति आपको दिखाई नहीं देगा। मंदिर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती हैं। हर साल यहाँ लगने वाले अंबुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। कहा जाता है कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से होता है। 3 दिन के लिए मंदिर को बंद रखा जाता है, फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो सफेद कपड़ा लाल रंग से भीगा होता है। इस वस्त्र को अंबुबाची वस्त्र कहते हैं और इसे प्रसाद के तौर पर भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। कहते हैं कि माता दुर्गा कण कण में बसी हैं, लेकिन फिर भी शक्तिपीठों का महत्व सबसे ऊपर है। कहा जाता है कि इनमें से एक ऐसा शक्तिपीठ भी है जहां पर माता का परमानेंट घर है। ये शक्तिपीठ है मेघालय के जयंतिया हिल्स में बना जयंती मंदिर। मान्यता है कि यहाँ माता सती की बाई जांघ गिरी थी। खासी ट्राइब की पारंपरिक स्टाइल में यहाँ करीब 500 साल पहले ये मंदिर बना। मेघालय में ये शक्तिपीठ नार्तियांग दुर्गा मंदिर के नाम से मशहूर है। यहाँ माता जयंती और काल भैरव कृमदीश्वर हैं। नवरात्र के वक्त देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा एक छोटा लेकिन अहम राज्य त्रिपुरा, और इस राज्य में बसता है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजधानी अगरतला से थोड़ी ही दूर पर उदयपुर शहर में बसा हुआ है। इस मंदिर को माता बाड़ी भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ माता सती के पैरों की अंगुली गिरी थी। यहाँ शक्ति त्रिपुरा सुंदरी और भैरव त्रिपुरेश के तौर पर पूजे जाते हैं। नवरात्र के अलावा दिवाली पर लगने वाला मेला यहाँ आकर्षण का केंद्र होता है। मंदिर में एक जैसी लेकिन 2 अलग आकार की मूर्ति है। बड़ी मूर्ति त्रिपुरा सुंदरी की है, जबकि छोटी मूर्ति को लोग छोटो माँ कहते हैं। तो ये थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनी बसी 3 महत्वपूर्ण शक्तिपीठ। ये ना सिर्फ धर्म के केंद्र हैं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की संस्कृति को जानने और समझने की जगह भी है। हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की संस्कृति को दुनिया भर में रूबरू और पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे। नमस्कार। Thank you.